So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and a perfect way of study. So, as you all know, this is me Sana Singh and I welcome you all on our YouTube channel Perfect Learning Club. जैसा कि जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ में हम लोग जो चैप्टर कन्वेक्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो इज मैटर अराउंड अस प्योर के और भी पार्ट फर्स्ट सेकेंड जो भी है हमारा फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं. आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे विजिट करियो और लेक्चर को वॉच कीजिए. अब आते हैं हमारे टॉपिक पे. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. हमने मिक्स अब एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सोल्यूशन जो था वो मिक्सर का ही पार्ट था. अभी तक हमने उसको बनाना सीखा, मिक्सर को बनाना सीखा, अब मिक्सर को अलग करना सीखेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. तो इसमें जो है हमको कुछ मेथड्स बताए गए हैं. एनसीईआरटी में हमको एक क्वेश्चन वाइज दिया गया है, हमको एक क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है कि जैसे कि अगर हमको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ऐसे करके हमको क्वेश्चन मार्क करके दिए हुए, उसके बाद उसमें सोल्यूशन दिया हुआ. पर अगर हम जैसे पढ़ रहे हैं तो हम उसमें डायरेक्ट आपको टॉपिक डायरेक्ट आपको उस मेथड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल में आपको वो करके समझाएंगे. इस तरह आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होते चले जाएंगे. सो देखते हैं कि क्या क्या मेथड हम लोग को गिवन है. मैंने यहाँ पे दो मेथड लिख रखे हैं, अभी आगे और भी मेथड्स हैं. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मेथड. पहला आता है हमारा एज ऑलवेज इवापोरेशन मेथड. इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि किसी भी क्या कहते हैं सॉलिड किसी भी चीज़ का एक गैसेस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? इवापोरेशन. अब इवापोरेशन मेथड है क्या? अब यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने डिफिनेशन क्या लिख रखी है. मिक्सचर हैज़ टू कंपोनेंट्स. मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं और हम लोग जानते हैं मिक्सचर एक कंपोनेंट को तो बना के मिला हो, मतलब एक ही अकेले एक कंपोनेंट से तो बना होगा नहीं, उसमें ज़रूर दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे. तो यहाँ पर क्या लिखा, मिक्सचर हैज़ टू कंपोनेंट आउट ऑफ विच वन इज इवापोरेटेड हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर रिमेन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक हमारा जो कंपोनेंट होता है वो इवापोरेट हो जाएगा. हमारे पास जो जैसे हम जो भी सेपरेट कर रहे हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं. पहले हम सीधे डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट होगा जिसमें हमको सेपरेट करना होगा इवापोरेशन मेथड से. उसमें जो दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट इवापोरेट हो जाएगा. इवापोरेट जल्दी क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, इसीलिए वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा. दूसरा इवापोरेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. तो अब एग्जांपल से समझते हैं, वो अच्छे समझ आएगा. फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. एज यू नो कि जो हमारा इंक होता है कोई किसी भी चीज़ का इंक, जैसे हमारा मार्कर का इंक होगा वो किसमें डाई से बना होगा, इसमें डाई मिला होगा. तो हम इसको डाई को कैसे सेपरेट करेंगे? तो डाई को हम इवापोरेशन मेथड से सेपरेट करेंगे. अब इसको समझते हैं कैसे हम सेपरेट करेंगे. मान लो मैं यहाँ डायग्राम ड्रा कर रही हूँ, थोड़ा मैं डायग्राम पार्ट वीक है पर आप डोंट माइंड, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए एक कंटेनर लिया हमने. अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे वो देखिए. और यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड किया, जानते हैं इवापोरेशन के लिए हीट तो इम्पोर्टेंट होगी. मेन कंपोनेंट क्या है कि हमारा हीट जो है वो हीट रहेगा, बाकी और कुछ रहे ना रहे. जहाँ इवापोरेशन सुन लिया वहाँ समझ लो हीट होना ही होना है. अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? वाटर. एक कंटेनर लेंगे हम, उसमें फिल करेंगे वाटर. उसके बाद यहाँ पे वॉच ग्लास एक रखेंगे, वॉच ग्लास, और इसमें इंक. ये याद रखिएगा कि जो हमारा इंक होगा उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, उसको हम इनडायरेक्टली हीट करेंगे. अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मोमोज का, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है मोमोज.
थर्मोकोल में हम लोगों ने क्या देखा है कि उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते, उसको मतलब अगर हम घर में बना रहे हैं किसी भी तरीके से, तो कंटेनर में रख के वाटर को नीचे रख करके ऊपर हम उसको उसकी वाटर के जो वाइब्रेशन से उसको पकाते हैं। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जब हम इसको हीट, जब हम डायरेक्टली इसको हीट ना करके इसको वाटर मतलब इसके यहाँ पे वाटर रखते हैं और यहाँ पे इंक, हमने यहाँ पे इंक रख दी, फिर हम इसको कॉन्टीन्यूअसली हीट करेंगे, कॉन्टीन्यूअसली हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने हीट को रोका, अगर हमने हीट को एक भी मिनट के लिए रोका, तो ये कॉन्टिन्यू नहीं कर पाएगा, ये सेपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, सेपरेशन होने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर हम कॉन्टिन्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं लिक्विड पार्ट रहेगा, यानी कि जो हमारा इंक का जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा क्या जो डाई रहेगा वो यहाँ पर रिमेन रहेगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड फिर से समझ लीजिए, मिक्सर है, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे जिसमें एक जो कंपोनेंट होगा वो आपका इवेपोरेट, यानी कि जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो मतलब हमारा जो इंक है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, और बाकी जो हमारा रिमेन डाई यहाँ पर रिमेन हो जा रहा है। एक कॉम्पोनेंट जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा रिमेन हो जाएगा, और वो हमको मिल जाएगा अब एज अ रिमेनिंग सोल्यूशन। तो हम क्या है यहाँ पे इवेपोरेशन के मेथड से हमने डाई और मतलब डाई को सेपरेट कर लिया। अब आता है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो उस पर आप इसमें गैजेट्स, आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे होंगे कि आप उनको बना नहीं सकते, खुद से नहीं बना सकते। सो इवेपोरेशन मेथड आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, पर कई सारे ऐसे होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ही काम आएंगे। अभी इवेपोरेशन आपको करना हो, आप हीट चाहे उसको क्या कहते हैं बर्नर से दीजिए, चाहे अपने घर में गैस पर रख के दीजिए, चाहे जहाँ से दीजिए आप, वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा, मैटर आपका सिर्फ सेपरेशन करेगा। लेकिन कई सारे मेथड्स ऐसे होते हैं, पॉइंट तो मैंने कर ही दिया कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, कई सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है उस पर पर्टिकुलर डिवाइस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। आप समझते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। अब डेंसिटी जानते हैं आप लोग हमेशा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हम सभी, डेंसिटी को हम सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस पर सेपरेशन डिपेंड किस पे करेगा। अब इसमें क्या डिपेंड, अब देखिए रिलेशन एक फाइंड करते जाइएगा कि इसमें सब में कॉमन क्या क्या आपको मिलता जा रहा है, ऐसा क्या पॉइंट है जो सबको डिफ्रेंशिएट करता जा रहा है। इसमें क्या था, बॉइलिंग पॉइंट देखना था हमको, इसमें क्या था, डेंसिटी देखना है। इसमें डिफरेंस देखते जाइएगा, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करते जाइएगा। इसमें क्या है कि जो हमारा डेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि सब्सटेंस की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि वो उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का मास पता हो आपको उसका वॉल्यूम निकल गया आपकी डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, मिक्सचर रोटेट वेरी फास्ट, इसका अगर तरीका देखें, मिक्सचर रोटेट वेरी फास्ट एंड डेंसर पार्टिकल फोर्स्ड एट बॉटम एंड लाइटर स्टे अबव। हमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा मिक्सचर होगा, हमारा जो भी मिक्सचर होगा उसको हम काफ़ी तेज़ी से रोटेट करेंगे। जो हमारा हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी सॉरी इंस्ट्रूमेंट होगा, एक इसका पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको जल्दी लैब्स में तो नहीं मिलेगा, पर अगर आप जैसे किसी डेयरी पे जाते हैं, मिल्क डेयरी पे, वहाँ आपको क्या कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें वहाँ पर क्या होता है कि वर्क होता है कि क्रीम और मिल्क को अधिकतर सेपरेट करने का वर्क होता है डेयरी पे। डेयरी पे आपको वहाँ पे वो दिखेगा कि उसमें जो रहेगा एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें मिल्क को डालेंगे, उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करते ही जैसे हम जैसे जैसे उसको रोटेट करेंगे तो उसका जो मतलब डेंसर पार्टिकल है, यानी कि डेंसर पार्टिकल कहने का मतलब है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो बॉटम में यानी कि नीचे साइड बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर साइड में आ जाएगा। यानी कि जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी
वो पार्टिकल आपका नीचे जा कर के मतलब पर्टिकुलर एक प्लेस पे जा कर के फिक्स हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी वो ऊपर आ जाएगा। इवापोरेशन मेथड आपका हमेशा से बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता था, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आपका डेंसिटी पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना कोई पर्टिकुलर मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, इसमें आपको चाहिए होगा क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इसका बनाई होगा, आपको ले आके वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इवापोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जिसमें आपने एग्जांपल देख लिया। अब आगे आता है, हम आगे भी हमारी और भी मेथड्स हैं, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर क्या कहते हैं प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल बी साइड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड लेट मूव अहेड। आई होप यू ऑल हैव डन, सो लेट्स मूव अहेड विदाउट कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक। तो हमारा जो हमने देखा कि हमने दो मेथड सीख लिए, एक इवापोरेशन दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, दो मेथड तो हमने सीख लिए। अब आगे हम आते हैं हमारे और मेथड कौन कौन से, मैंने फिर से यहाँ पे तीन मेथड्स लिखे हुए हैं। अब आगे के मेथड्स भी ऐसे कन्वे करेंगे, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी। अब ये तीन मेथड हम कन्वे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने देखा सेपरेटिंग फनल में क्या है, टू इमेजेबल लिक्विड विच कैन नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर कैन बी इजली सेपरेटेड बाई यूजिंग सेपरेटिंग फनल। यानी कि दो ऐसे इमेजिबल ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाएंगे, ऐसे लिक्विड जो कि एक दूसरे मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है इमेजिबल लिक्विड का मतलब जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं हो पाते, सेपरेटिंग फनल। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सेपरेटिंग फनल है क्या। सेपरेटिंग फनल आपका एक ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अब इसमें अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर ये सेपरेटिंग फनल में रखा जाएगा तभी ये अलग होगा। सेपरेटिंग फनल फिर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं आपको। सेपरेटिंग फनल कुछ जैसे वो नहीं होता सपेरे का बीम टाइप में, कुछ वैसा होता है ऐसे कुछ। सॉरी माय डायग्राम इज नॉट सो गुड बट आई विल ट्राई टू मेक इट। कुछ इस टाइप का होता है सेपरेटिंग फनल और यहाँ पे एक स्टैंड लगा होता है, ये कुछ इस टाइप में जिसमें ऐसे आपके जो सॉल्यूशंस रहते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ये होता है हमारा सेपरेटिंग फनल। तो अब सेपरेटिंग फनल का यूज़ हम क्यों करते हैं, सेपरेट वाटर फ्रॉम केरोसिन। यानी कि हमारे पास दो इमेजबल लिक्विड है, एक वाटर एक केरोसिन, दोनों को एक दूसरे में मिक्स किए, दोनों मान लीजिए बाई चांस गलती से हमने वाटर और केरोसिन को मिक्स कर दिया। अब हमको केरोसिन प्योर फॉर्म में चाहिए यानी कि विदाउट एनी मिक्सचर को चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब उसको, और केरोसिन हमारे पास है नहीं, हमको उसको सेपरेट करना है, तो हम इसको किसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद उसको कुछ देर हम उसको अनडिस्टर्ब यानी कुछ देर वह उसी स्टेज में रख देंगे, हम उसको ना मूव करेंगे ना ही उससे कोई क्या कहते हैं हम ना ही उसको किसी तरह से टच करेंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा जो वाटर रहेगा वो अपर सरफेस में केरोसिन बॉटम सरफेस में स्टिक हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सेपरेटिंग फनल का यूज करके जो हमारा वो केरोसिन है वाटर में से मतलब केरोसिन में से वाटर जो हमारा सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सब्लिमेशन मेथड। ऑलरेडी सब लोग जानते हैं सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन को फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करते चलिए, एकदम को बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारा आपको टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब उसमें अब देखिए जैसे कि NCERT में आपको गिवन है कि मतलब NCERT में आपको दिया हुआ है कि क्या कहते हैं हाउ जैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर इमेजबल लिक्विड करके दिया होगा, हाउ मतलब इमेजबल लिक्विड करके दिया हुआ है कि हाउ टू सेपरेट टू इमेजबल लिक्विड्स। तो अब आप उसको रिलेट कराते चलिएगा कि कैसे कैसे आपका NCERT से रिलेट होता जा रहा है। अगर आप
लेक्चर को देखते टाइम प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ते चलते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट बोल्ड हो जाता है, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हाई लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि आपको चीज़ों को रिवीजन करने सिर्फ एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार रिवाइज करना जरूरत पड़ेगी, बाकी आपको होल ईयर वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 9th 10th 11th 12th आप चाहे जब तक पढ़ते जाइए, अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपको वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एकदम सब कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होने चला जाएगा। अब आता है हमारा सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड क्या है? इसमें भी सब मिक्सचर में हम जानते हैं कि दो कॉम्पोनेंट होंगे, वन ऑफ द टू कॉम्पोनेंट, वन विल सब्लाइम एंड अदर विल नॉट। इसमें भी हमारा दो कॉम्पोनेंट होंगे जिसमें एक सब्लाइम हो जाएगा। सब्लाइम का क्या मतलब होता है? वर्ड हमने यूज किया है सब्लाइम, हमने यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया है सब्लाइम का मतलब क्या होगा? डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस। ये क्या हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, हमारे पास दो कंपोनेंट रहेंगे, दो कंपोनेंट में से एक जो होगा वो हमारा डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा और एक हमको रिमेनिंग में मिल जाएगा। इसमें एग्जांपल में क्या है? सॉल्ट एंड एनएस सॉल्ट फ्रॉम एनएस4सीएल। यहाँ पे मैंने एंड का रिलेशन दिखाया हुआ है सॉल्ट एंड एनएस4सीएल का, इसलिए मैंने एंड यूज किया है। यानी कि अगर मान लीजिए एनएस4सीएल में से हमको एनएससीएल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है आपके माइंड में कि क्या हम यहाँ पर इवापोरेशन मेथड का भी तो यूज़ कर सकते थे? उसमें भी तो ऐसे होता है कि एक जो होता है इसका हाई बॉइलिंग, इसका जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो इवापोरेट रहता है, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रिमेन रहता है। हम यहाँ पर उसका भी तो यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर हमने सब्लिमेशन मेथड ही क्यों नाम दिया इसको? सोचने वाली बात है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड विल योर कॉन्सेप्ट। सो अब मैं बताती हूँ इसका दोनों का रिलेशन क्या है। अब सब्लिमेशन मेथड क्या होता है? सॉलिड आपका सॉलिड चेंज होगा और उसमें क्या था आपका लिक्विड, इवापोरेशन जो है, मान लीजिए यही मैं आपको शो कर रही हूँ, इवापोरेशन में आपका लिक्विड आएगा, इवापोरेशन में लिक्विड आएगा और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है सॉलिड। उसमें क्या था? इंक। इसमें क्या है? NH4Cl। डिफरेंस को फाइंड करते चलिएगा हर चीज को रिलेट करते हुए। इसमें क्या है? सॉलिड। इसमें क्या है? लिक्विड। अब आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्रोमैटोग्राफी रिलेटेड टू फोटोग्राफी। ऐसा लग रहा है क्रोमैटोग्राफी फोटोग्राफी। सो डिफरेंशिएशन, क्रोमैटोग्राफी, कलर्ड कंपाउंड ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट वन। फिर से यहाँ से हम इसको समझते हैं। पहले जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट होगा, यानी कि कलर कंपोनेंट इंक, डाई इंक, ब्लड, कुछ भी ऐसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम। कलर्ड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कैन बी सेपरेटेड, यानी कि जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनको अगर हमको सेपरेट करना होगा तो हम क्या एब्जॉर्बेंट, यानी कि उसमें एक पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसमें से एक पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूसरा रिमेन रह जाएगा। फिर से यहाँ से हमको अब मान लीजिए कि हमने फर्स्ट वाले इवापोरेशन में एग्जांपल लिया था इंक का लिया था, इसमें से हमको वाटर और डाई अलग करना था। हमारा वाटर जो था वो इवापोरेट हो गया था और हमारा जो डाई था वो रिमेन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम समझ रहे हैं, यहाँ पर भी तो सेम ही है ना, कलर कंपाउंड इंक भी तो ले सकते हैं। हाउ, वाई एंड वॉट ये डेवलप करिए। यहाँ पर आप सोचिए क्यों इसमें क्यों क्रोमैटोग्राफी? अगर हमको एग्जाम मान लीजिए हम इसको यहाँ पर भी तो सेम ही दिया हुआ है कि कलर कंपाउंड होंगे, कलर क्या कलर कंपाउंड इंक नहीं होगा?
कलर्ड इंक भी तो कलर्ड कंपाउंड होगा, उसमें उसमें क्यों हम इवापोरेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों हम फिर क्रोमेटोग्राफी का स्टडी कर रहे हैं? सोचिए क्यों यूज कर रहे हैं, ये मैं बताती हूँ फिर से आपको। क्योंकि उसमें फिर से आप इवापोरेशन और क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस देखिए। इवापोरेशन और क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस क्या होगा कि जो हमारा इवापोरेशन में था, इवापोरेशन में जो था हमारा, उसमें जो लाइट लेस बॉइलिंग पॉइंट था, लेस बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट हो जा रहा था, इवापोरेट हो रहा था, यानी कि जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट था वो इवापोरेट हो रहा था। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे इवापोरेट नहीं करना है, हमको जैसे कि अगर यहाँ पर हमने क्या लिखा, एग्जांपल टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ड्रग्स से आप सभी वाकिफ होंगे, जो ड्रग्स होता है उसमें मान लीजिए हमारे मतलब मान लीजिए कोई ब्लड है, कोई ब्लड का सैंपल है, उस पर वो फुलफिल ऑफ ड्रग्स है। अभी अभी क्या कहते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी में ड्रग्स पाए गए हैं, उसको सेपरेट करना है, क्या उसके ब्लड को हम इवापोरेट कर देंगे? उसका जब ब्लड ही हम इवापोरेट कर देंगे तो उसके बॉडी में बचा क्या? तो यहाँ इन सब में यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब डिफरेंस समझिए कि उसमें जो लिक्विड रहता है वो हमको लिक्विड नहीं मिलता है, पर क्रोमेटोग्राफी में हमको लिक्विड अवेलेबल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमको ब्लड रिमेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हमको इंक वाटर मिला था? हमको यहाँ पे वाटर नहीं मिला था, हमको यहाँ पे वाटर नहीं मिला था, पर हमको यहाँ पे ब्लड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने इसे इसमें से ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्बेंट का यूज़ करके हमने यहाँ से ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आपको फिर से अगेन एंड अगेन आपने यहाँ पे थ्री मेथड को कंक्लूजन कर लिया, अब ठीक है, अब फिर से आप नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सो आई होप यू ऑल हैव डन, लेट्स मूव अहेड। अब मैंने फिर से यहाँ पे तीन जो हमारे क्या कहते हैं मेथड्स लिख रखे हैं, डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तीनों एक ही तरह से साउंड करते हैं, होमोफोन्स होमोनेम्स की तरह। देखिए डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। सो पहला जो है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ विजिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू कंपोनेंट। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, इसमें हम क्या कहते हैं दो कंपोनेंट को, दो विजिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस से। जहाँ पर हमारे पास दो विजिबल लिक्विड होगा, अगर उनको हम सेपरेट करना होगा, जैसे कि एक जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स को वापस से लिक्विड स्टेट में लाना, वो क्या होता है हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। तो सेम यहीं पर हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे दो विजिबल लिक्विड्स हम लेंगे, उनको सेपरेट करेंगे किसको, कंडेंसेशन के मेथड से, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन। अब एग्जांपल में क्या समझते हैं, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन हमारे पास है और वाटर है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ऐसे ही मेथड्स को हम यूज़ करेंगे। अब आगे आता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन डिस्टिलाइजेशन का एक पार्ट है, इसमें भी कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज़ होगा। यहाँ पे हमने एयर लिया, अब इसमें सेपरेशन क्या है, गैस, मान लीजिए हमको O2 गैस है, हमारे पास एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि O2 हमारे पास एक गैस है, उसको हमको सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने जो एयर ली, एयर को क्या किया, कॉम्प्रेस बाय कूलिंग। कूलिंग मेथड आप जानते हैं कि गैस को अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विड एयर। सेम है यहाँ पर, इसको दोनों को रिलेट कर दीजिएगा, हमने एयर ली, उसको कंप्रेस किया, हमको फिर लिक्विड एयर मिला। अब हम एयर को थोड़ा वार्म करेंगे, एयर को थोड़ा वार्म करेंगे, फिर क्या होगा, जो हमारी गैस होगी वो सेपरेट हो जाएगी, मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट लो है, ऐसे ही पे वो सेपरेट हो जाएगी। इसको कहते हैं हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन।
एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं O2 गैस, O2 गैस को अगर हमको चाहिए होगा तो एयर लेंगे, मान लीजिए हमारे पास इम्प्योर एयर है, इम्प्योर एयर को हमने कंप्रेस किया, कूल किया, फिर थोड़ा वो लिक्विड में चेंज हो गई, फिर उसको हमने थोड़ा सा वार्म किया, क्योंकि हमको गैस चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, गैस, इसीलिए हम इसको फिर से वार्म करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, जो गैस होगा वो टिफिन बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। आगे आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सीधे सेम मतलब इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में हमको पाने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसका डेफिनेशन, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर, फर्स्ट डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट ऑफ वन, यानी कि जिसमें से क्या रहेगा, एक एक मिक्सचर को हम उसमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, हमारे पास सी वाटर है उसमें से हमको सॉल्ट को रिमूव करना है, तो हम उसको पहले एक सुटेबल सॉल्वेंट में प्रोवाइड करेंगे, उसमें उसको क्रिस्टलाइज करेंगे एक मेथड से, तो उसका जो सॉल्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमारा क्या कहते हैं सी वाटर, हमारा सी वाटर होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमारा सॉल्ट रहेगा वो प्योर फॉर्म में हमको मिल जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप बुक से इसका एक एग्जांपल रिलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि ये हो गया हमारा आज का पूरा टॉपिक, अब हमारे इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और जैसे कि ये हमारा पूरा हमने यहाँ पर 6 मेथड पढ़े, 6 मेथड कौन कौन सी, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी ये कुल मिला के हमारा 8 प्रोसेस हो गया, हमने यहाँ पे कुल मिला के 8 प्रोसेस पढ़े। तो ये 8 प्रोसेस आप प्रॉपर NCERT से पढ़ लीजिएगा, NCERT में आपको फुल डायग्राम के साथ, उससे एक बार आप डायग्राम, उतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया गया है, मैंने आपके यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया है, बस आप एक बार जाके जस्ट गो थ्रू द NCERT एंड बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एट द हायर लेवल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब। ओके, टेक केयर, बाय बाय।